हमने इस कलील साल से भी कम अरसे में यहाँ ईगल स्क्वाड जो है पहले मुतारफ कराई और आज हम एयर पेट्रोल यूनिट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिसमें ड्रोन्स के जरिए जो कि सेफ सिटी के साथ अटैच हो गए और ईगल स्क्वाड और ये हाईटेक गाड़ियां भी इसके साथ अटैच होंगी। सो इसको न सिर्फ हाईटेक में इजाफा करेंगे बल्कि एंटी रॉयड्स 1000 नए नौजवानों की भर्ती का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमें इस लास्ट मंगल को इजाज़त दी है। उसका भी मैं आईजी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इसको मेरिट पे जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। शहादा पैकेज जो है वो पंजाब के बराबर कर दिया गया है और मेरी ये ख्वाहिश है, जल्द अज जल्द मैं वजीर खजाना से बात करता रहता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाह भी जो है वो बेहतर बनाई जाए। 400 मिलियन की खतीर रकम हमने थानों को दी है और 1 अरब रुपया मेरे इस दौर में पुलिस को दिया गया है ताकि शहदा पैकेज की अदायगी हो सके। मैं आपको न सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ 35 जो है यूनिट को, 35 कोर को आज पासिंग आउट पे, मैं आपकी जिम्मेदारियों को समझता हूँ। मुझे एहसास है किस तरह आप अराउंड द क्लॉक 24 घंटे खिदमत करते हैं। आपने इस शहर को महफूज बनाने के लिए जानों के नजराने दिए हैं, इस मुल्क को महफूज बनाने के लिए मैं पाक पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद। देखें, नवंबर और दिसंबर के महीनों में अपोजिशन इत्तेजाज करती है पिछले 3 सालों से, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से नबी के सदके में इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे करेंगे और ये जुमा जुमा खेल रहे हैं। कल इन्होंने पहला जो इत्तेजाजी मुजाहरा किया, मैं अब क्या कह सकता हूँ, उनके उम्मीदवार थे और लोग थे, जो लोग गुरबत से बराए रास्त मुतासर हो रहे हैं वो उनके साथ नहीं थे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। और कल का जुलूस बता रहा था उनका कि सुकून.com है, और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान इन मसाइल पर उसकी नज़र नहीं है तो इसकी पूरी नज़र है। और तकरीबन हफ्ते में 1-2 मीटिंग्स हो रही हैं, हमने दुनिया के मसाइल को भी देखना है, फेटफ है, IMF है, डेट है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं, इंशाल्लाह इससे नबरू अजमा होंगे। और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, मंजूरी अल्लाह की होती है, इज्जत अल्लाह देता है, इख्तदार अल्लाह देता है, अल्लाह ही लेता है, इंशाल्लाह ताला हम इन तमाम मसाइल पर काबू पाएंगे। 3 क्वेश्चन। तहरीके लबैक के साथ आपने वादा किया कि फ्रांसीसी सफीर को निकाल देंगे, उस वादे पे अभी तक तहरीके लबैक के मसले में फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। मुझे जवाब देने दे प्लीज। और फ्रांसीसी एम्बेसडर से हटकर इस मुल्क में मदीने की रियासत के लिए इमरान खान काम कर रहा है, काला काला रसूलल्लाह का आलम बुलंद करेंगे। अपोजिशन देखें, जितना मीडिया अपोजिशन को मिल रहा है ये गमाजी करता है कि इस मुल्क में जमहूरी सियासी आज़ादियां हैं, और हम अगर वो फ्रांस के एम्बेसडर का मतलब ये है कि हम यूरोपीय यूनियन से आज की दुनिया में अपने तल्लुकात कशीदा कर लें, हम आज के रसूल हैं। ख़त्म नबूवत का अगर मुझसे बड़ा कोई सपाही है, अगर ख़त्म नबूवत में मुझसे ज़्यादा किसी ने कैद काटी है तो अपना नाम टीवी पे बताए, मैं घर जा के उसको मुबारक। अगर किसी ने भी, खा वो PDM हो या TLP हो, अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया और कानून के दायरे में इत्तेजाज किया जैसे कल उन्होंने किया, पीछे गाड़ियां रुक जाती हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। लास्ट क्वेश्चन। पहले भी इस्लामाबाद आए थी, इस्लामाबाद पुलिस उसको रोकने में नाकाम हुई, अब फिर ऐलान किया।
देखें, हमारी कोशिश यही होती है कि नुकसान कम हो, लड़ाई झगड़ा कम हो, दंगा फसाद कम हो और अपने मकासद को हम हासिल करें। ये 40 कैमरे इस वक्त लगे हैं, ये 40 कैमरों पे इश्तेजाज जाता है। दुनियाए सियासत में मुझे एक मुल्क का नाम बताएं जिसमें सियासतदान मेरे समेत, बेशक मुझे वो कहते हैं कि एक पार्टी का लीडर है, एक सीट का लीडर है, वो कट होता हो, दुनिया में किसी मुल्क को बताएं। और इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आपने कौम को इकट्ठा रखा हुआ है और हमें भी आप अपना रास्ता दिखाते हैं। जी लास्ट देखें, ये फवाद चौधरी बता सकते हैं। थैंक यू।